तो मैं राम राम करना चाहूँगा और MS भाई का हमारे गांव में पहुंचने पर पूरे गांव की तरफ से वह हमारे शहीद भगत सिंह युवा संगठन का एक सदस्य होने के नाते हृदय की गहराइयों से भाई का गांव में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले भाई जो है बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये नाम जो नशा मुक्ति का है ये कोई छोटा काम नहीं है और ना हर एक आदमी इस काम को कर सकता है। घर से निकलने से पहले 2000-10000 क्वेश्चन आदमी के अपने खुद होते हैं और जब आदमी अपने आप से लड़ता है तब जाके लोगों के सामने फेस होता है। जो आदमी अपने आप से लड़ लिया ना वो दुनिया से नहीं हारेगा और जो अपने आप से हार लिया वो दुनिया में कभी जीत नहीं सकता, ये हकीकत है। ये इतनी अच्छी मुहिम है क्योंकि आज के दिन हम देख रहे हैं हमारी उम्र के, हमारे से छोटे, हमारे से बड़े, गांव में देखो बाहर देखो बुरा हाल है। आप अपनी अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो। तो मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा कि मैं तय दिल से हमारा संगठन भाई के साथ जैसा हमारे से सहयोग हुआ वैसा हमने किया है और आगे भी हम भाई से जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। और बात रही दान की, तो मेरी तो उम्मीद है कि हमारे गांव में जब हम एंट्री करते हैं तो आप देख लेना धर्मनगरी लिखा हुआ है और इस हर एक आदमी से उम्मीद नहीं की जा सकती। कहीं 10000 की जाती, कहीं 20, जहां ज्यादा उम्मीद होती है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा गांव कैसे भी करो या आसपास में आपका ऐसा मान सम्मान नहीं होगा, ऐसा मान सम्मान करने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर दान की बात करें तो चाहे किसान आंदोलन हो, 813 नंबर पिलर अभी भी मेरे याद है कि जहां पंजाब हरियाणा यूपी सभी लोगों का पालन पोषण इस गांव ने किया था। मेरे 80-80 साल के बुजुर्ग नौजवान साथी सुबह 6 बजे उठ के दूध मांग के वहां टिगरी बॉर्डर पे पहुंचाने का काम किया था, इसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं पूरे गांव का। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये कोई मेरे लिए नहीं कर रहे। जो ये 400 आदमी है, जो मेरी आंखों के सामने 500 आदमी है, ये पूरे 10,000-12,000 आदमियों का समर्थन कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं सभी नहीं आ रहे गांव में, और एक आदमी नहीं आ रहा है। ये 10,000 आदमियों में से हमारे गांव की जनसंख्या 10,500-11,000 जनसंख्या है जो पीछे मैंने देखी थी। ये 500-600 आदमी ही पूरे गांव को ये बता देंगे कि डाटा गांव ऐसा है। और मैं भाई को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम तन मन धन से आपका सम्मान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो भाई।